मंत्री जी हमारी प्रतिज्ञा सबको सुना दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आए हैं अनूप देश देश के भूख, धार धार के सब रूप आज यहाँ पधारे हैं। योद्धा बलकारी वीर पुरुष धनुधारी आए करके तैयारी राजा जनक के द्वारे हैं। पड़ी है कमान जिसे होवे अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान बल देखने तुम्हारे हैं। सीता जी को ब्याने वे आज आए मैदान में, जो जो बलवान शेर क्षत्रिय दुलारे हैं। हे राज्यसभा में पधारे हुए शूरवीरो, अब महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा सुनो। आप लोगों के सामने जो शंभू चाप पड़ा है वह उठाने में भारी और पराक्रम में बहुत बड़ा है। जो वीर इस धनुष को उठाएगा वही सीता जी का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपना अपना पराक्रम दिखाओ। आया हूँ कश्मीर से, कांग्रेस से की बेटी ले जाऊंगा तेरी बेटी। मैं पहले से जानता पुत्री सीता के सुमंगल का प्रण कभी न
सूरज को चूक वाली सुविधा सीधा बड़ी सुविधा से उठा लेती थी। आज इन राजकुमारों से इसका हिलाना भी भारी है, इसलिए पुत्री को कुमारी बिठाने में ही जारी है। जाओ हे अभिमानियों, अब अपने अपने घर जाओ और यदि कुछ लज्जा है तो अपनी स्त्रियों के आंसुओं में डूब जाओ। पर सभा हो गई पीपास पीर मटर की, ना जिसमें नाम को जल है कल है ऐसे बादल की। किया था जो कभी मैंने बदल, अब हो चुका पूरा। जाओ अब अपने अपने घर जाओ, पर अब हो चुका पूरा। राजन होकर इस कदर ज्ञान बान बलवान, एक चरासी पास पर वीरों का अपमान, क्यों बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे तीखे हैं। करते हैं हृदय को घावे, वर्षी है बांसुरी। एक है इनकी वाणी में सबको दूषित कर डाला, केवल इनकी ना गाना। जो वीर पुत्र के क्षत्रिय है अपमान कहां से सकते हैं, दूषित हो कुल मान तो फिर खामोश कहां रह सकते हैं। बुलवाकर राजसभा में क्षत्रिय कुल का अपमान किया, अपने मेहमानों का तुमने ये अच्छा सम्मान किया। हे राजन इतनी हृदय वीरों का अपमान करते हुए तनिक लज्जा नहीं आई, ना कुछ सोचा ना बिचारा, जा मुँह आया सो कह डाला। श्री रामचंद्र जी के पक्षी धोते हुए वीरों का जो अपमान किया है समझ लो नाश का सम्मान किया है। जहाँ रघुवंश के दो धनुषधारी विराजमान हो, वहाँ ऐसे कटु वचन कहना विष के समान है। यदि बराता जी की आज्ञा होती तो भी सम्मान का बदला चुका देता, रणभूमि को रणभूमि बना देता। आप नहीं जानते कि जब तक सूर्य वंश का सूर्य चमकता है वीरों को मानित कौन कर सकता। धनुष बाधा धनुष कुछ भी नहीं है वीर के आगे, पूरा दो पर्वतों तक जो है मेरे तीर के आगे। चार बेटा लक्ष्मण चार क्रोध को धूप डालो और राजा जी के सामने ऐसे कटु वचन ना निकालो। राजा जनक जी ने जो कुछ भी कहा है केवल कायरों के लिए कहा है। देखो उनकी कामनाओं का फूल कैसे मुरझा गया है, इनकी आशाओं पर पानी फिरा जा रहा है। फिर ऐसे में क्रोध आना तो स्वाभाविक है। सुनो हे रघुकुल मुनि, मेरी ये प्रार्थना सुनो। हाथ जोड़ विनती करूं चरण निभाओ शीश, राजा ने अनुचित वचन आज कहे जगदीश। जिस सभा में आप पधारे और सेवक खड़ा हो आज्ञा में, फिर कौन भला कह सकता है वचन कुटिले दुनिया में। हे नाथ हूँ सेवक चरणों का, कहने को यूं सब चाहता हूँ, पर वचन है बिल्कुल सत्य मेरे, मैं कसम आपकी खाता हूँ। वमन उठा लूं ऐसे में संभाव्य मुझको पाता है, जिस तरह खेलने को बालक साधारण गेंद उठाता है।
है भाई, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार से जानता हूं, परंतु इस समय तुम्हें व्यर्थ में क्रोधित नहीं होना चाहिए। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। राजा जनक हमारे बड़े हैं और इस समय बेचारे घोर निराशा में पड़े। सोचो, समझो और ध्यान से मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं है लक्ष्मण झगड़ा तुझे बढ़ाना, भाता नहीं है हमको किसी का मर्म दुखाना। सीखा है आज तक जो हमने वनों में रहकर, अनुचित है इस घड़ी में सब कुछ भूल जाना। राजा जनक बड़े हैं, आदर उचित है इनका, कर्तव्य जो है हमारा वह नहीं चाहिए हमें निभाना। जिनसे ना उठता चाप कायर, उन्हें कहा फिर कब उचित है ऐसी बातों पे मुंह चिढ़ाना। त्यागो या क्रोध भाई और खामोश होकर बैठो, आज्ञा है जो गुरु की उसको ना तुम भूल जाना। जैसे आज्ञा भ्राता जी। देखो हे राम, सभा के शांत वायु मंडल को देखो, निराशा में बदलती जनक की आशा को देखो। बेटा अब तुम भी अपना पराक्रम सिखाओ और इन सब लोगों का संताप मिटाओ। उठो हे राम, ये काम तुम ही करोगे, तुम ही शोक राजा के मन का हरोगे। उठेगा ना किसी से ये चाप बेटा, तुम ही बस श्री जानकी को भरोगे। हुआ ज्ञात सोर है बलहीन राजा, तुम ही बार कंधों पे अपने धरोगे। ये आशा है मेरे मन की पूर्ण बेटा, प्रभुपुर का नाम तुम रोशन करोगे। जो आज्ञा गुरुदेव, आज्ञा पाकर आपकी जाता हूं महाराज। आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सब काज। लाज आज रखना मेरी शरणागत प्रतिपाल, तेरा ही बल है मुझे हे प्रभु दीन दयाल। लीजिए, क्या ये वही धनुष है जिसे उठाने में प्रत्येक वीर घबराता था। लो देखो, अब इसका चिल्ला कान तक आता है। उठाने को विवश जिसे हर शूर होता है, उसी को देखिए अब किस तरह से चूर होता है। धन्य हो बेटा, तुमने रघुपुर का नाम रोशन बनाया है। बम बम भाई, बम बम भाई।
बोले, किया बड़ा उपकार, शीश नवाओ आपको विनय करूं हर बार, दया दृष्टि से हो गए पूर्ण सब काज, स्वामी जी को सीता करो हाथ जोड़ कर नाम। दूर रहे तुमसे सदा देश भाव और राम, भोग न प्यापे जगत में होए अटल सुभा। राम लखन आगे पढ़ो, इन्हें नवाओ शीश, सुखदाता संकट हरण ऋषियों के आशीष। महात्मन पर नाम, राम लखन दोनों थियो, सदा प्रपंच जय हो, नाम रहे उद्भव सदा, जग में तुम निर्भर। आइए महाराज आसन ग्रहण करें। बहु जनक आज नगर के गली कूचे क्यों सुना रहे हैं? ये देश देश के राजा मिथिलापुरी में क्यों बढ़ा रहे हैं? महाराज, सेवक ने पुत्री सीता का स्वयंवर जाया था और इन सबको न्योता भेजकर यहां बुलाया था। अब आपकी कृपा। महाराज इतना क्रोध ना कीजिए, शंभू चाप तोड़ने वाला भी कोई आप ही का सेवक। रहने दीजिए, आप इतने क्यों दिल मिला रहे हैं? आखिर ये क्रोध किसे दिखा रहे हैं? हजारों तो डाली झुमकियां ऐसी लड़कपन में, कभी देखा नहीं था क्रोध आपके मन में। अरे मूर्ख, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान, क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता? बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में परम सुजान हैं, परंतु महाराज हम भी वह मौन की डली नहीं जो आप देखते ही पिघल जाए, होश की वह बूंद भी नहीं जो धूप निकलते ही ढल जाए। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तलवार के बार देखे हैं, बड़े योद्धा बड़े बलवान और बलकार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते वही सरदार देखे हैं। भला इन धमकियों का आपकी हम पर असर होगा? डरेगा वही परसे से किसे मरने का डर होगा? अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर ही बचा जाता और तेरी छोटी अवस्था पर ही तरस खाता, नहीं तो तेरे निर्लज शब्दों पे मैं जी अपना चढ़ा बैठा, नहीं जीता बचेगा तू जब मैं प्रसाद चलाऊं। क्यों नहीं, आप निस्संदेह ऐसे ही हैं, परंतु महाराज मैंने आपको ब्राह्मण जानकर अब तक कुछ नहीं कहा। हमारे शास्त्र में गौ ब्राह्मण को मारना महापाप है, इसलिए मुझे पश्चाताप है। कायरों को मारने में वीर की कब क्षण है, दुख न देगा दीन को जो क्षत्रिय की संतान है।
ओहो, इतना निडर, इतना न्यायी, ऐसे कटु वचन कहते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई। अच्छा मूर्ख, अच्छा ले सीधा चल के दीवार चल। देखो समाज वालों, अब मुझे दोष ना देना। मैंने अब तक बहुत ही शांति से काम लिया। जितना मैं सीधा चला उतना ये टेढ़ा हो गया। जिस कदर नरमी बड़ी तुमने अब टेढ़ा हो गया। अब नहीं छोड़ूंगा मैं सीधा से संसार में क्रांति धार आई और उसकी धार। तो महाराज बार बार इसे सुनाते हो, जो कुछ करना धरना है शीघ्र क्यों नहीं कर दिखाते हो? क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे काम में? कर दिखाओ बस, नहीं तो बट्टा लगेगा नाम में। किशोर बालक जैसे ही फिर कटु वचन बोलकर चला हुए तो चलाता है। अरे मूर्ख, अपना नाम क्यों बुलाता है? क्या तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया? अरे मूर्ख बच्चा है अभी, क्यों जीना भारी हो गया? अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा पड़ा है इनकी बुद्धि पर, निपट अज्ञान का पर्दा भूल कर मार्ग सीधा क्या विकट रास्ते पर चलते हैं। जो है ब्राह्मण के स्वामी उन्हें बालक समझते हैं। शांत ऋषिराज शांत, बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं। विश्वामित्र जी, ये बालक हठधर्मी और पवार है। इसके साथ नरमी करना ऐसा ही है जैसे पिछले साल के बच्चे को दूध पिलाना। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? ओहो, कैसे भोले मुनि हैं। नहीं रखेगा इसके जिगी तरफ करने वाली जुबान को कभी गरजते हैं। बाप पर जो अच्छे होते हैं वही छलकते हैं। बस स्वामी जी आपकी देखी सब पर तूत, करना धरना कुछ नहीं, बस लड़ने को मजबूर। फिर बोला फिर अमृत में विष बोला। अरे मूर्ख, मेरे द्रोह की अपनी को और ना बढ़ता। यदि रक्षा चाहता है तो मेरे सामने से दूर हो जा। महाराज शांति कीजिए, बच्चों की बातों पर ध्यान ना दीजिए। हम तो बालक हैं, ना क्रोध से डराओ स्वामी। भूल जाए तो हमें मार्ग दिखलाओ स्वामी। राम तेरा भाई बड़ा ही कठोर और कराला है, शरीर से तो गोरा किंतु अंदर से काला है। मारो, सोने के पात्र में विष भरा हो। महाराज ऐसा मैंने आपको क्या कह दिया? आप तो व्यर्थ क्रोधित होने लगे। यदि ये पौधा और पुराना धनुष टूट गया तो रोने लगे। अच्छा, यदि आपको इसके टूटने का इतना ही दुख है तो एक काम कीजिए, किसी अच्छे से कलाकार को बुलवाकर इसे जुड़वा लीजिए। देख रहा हूँ तेरा भाई अभी मुझे जला रहा है और तू से थरा थरा अधूरा दिखा रहा है। बस अब नहीं रहा जाता, इतना बहुत, अब नहीं सहा जाता। ले प्यार पालो, अब सावधान हो और मरने के लिए तैयार हो। बहुत कुछ, बस अपने देश से निकल। कल निडर बालक, तू अब पर रोड पे रास्ते पे चल। हे विधाता, ये क्या चलती चलती है किंतु
छल हो लड़ाक चंद्रे ने बाबा सुंदर तेर नायक थे जहां जो हार भी मानी तब मानी ये बालक महाराज आपकी बड़ाई और पराक्रम तो कई बार सुन चुका हूं अब कोई दूसरी कहानी सुनाइए या तो कुछ कीजिए या सीधे कान दबाकर चले जाइए ले जा जा यदि बालक की रक्षा चाहता है तो उसे मेरे सामने से दूर ले जा नहीं तो यह पर्से की धारा इसका दूर महाराज शांति कीजिए इतना क्रोध करके अपने मन को क्लेश ना दीजिए ये बालक है इसे अज्ञानी समझकर क्षमा कीजिए बस सुन लिया ये जो कुछ भी कह रहा सब तेरे ही संकेत से कह रहा तुम दोनों में एक प्रकार की मेरी भक्त है जितना ये जरूर है उतना ही वो अपराधी है ओह मुनिराज का स्वभाव तो गर्म ही होता जा रहा है यदि इस अग्नि पर शीघ्र ही जल ना डाला गया तो इसे शांत करना कठिन हो जाएगा महाराज ये आपने अच्छी रीति निकाली अपराध तो इनका है और भली बुरी मुझे भी सुना डाली सच कहा है नीम कड़वा है उसे कोई पशु खाता नहीं जल समुद्र का है खारा काम में आता नहीं आग में है तेज कोई पास तक जाता नहीं चंद्रमा हो चौदस का तो ग्रहण में आता नहीं है मेरी आधीनता से ही ये सारे हौसले आप चढ़ते ही गए जिस कदर हम नीचे ढले हाँ, तुझे भी जरूरत पर अभिमान हो गया है महाराज मैं कह चुका हूं हमें बालक समझकर क्षमा कीजिए हाँ यदि हमारी योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए अच्छा यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो ले इस तनुज पर कान चला कर दिखा मेरा मैं भी तो देखूं कि तू कितना बलवान धन्य धन्य हो दशरथ कुमार तुम धन्य अब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया मनकांता दूर हो गए निसंदेह राम अवतार हो चुका आज आपसे मिलकर मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ अब मैं जंगल में जाता हूं और राम नाम का गुणगान करता और सियापति रामचंद्र की बैठो बैठो यार।